हम इंसान बिस्किट रोज तोड़ते हैं, पर आज मैं एक ऐसे बिस्किट की बात करने वाला हूँ जो कि इंसानों को तोड़ता है। आज हम देखने वाले हैं बिस्किट ओलिवा की एनाटॉमी। बिस्किट ओलिवा एक क्यूबन बॉर्न अफ्रीकन अमेरिकन है। वो ब्राउन स्किन वाले हैं, उनके छोटे काले बाल है और बहुत पतले मूछे है। पहले देखकर लग सकता है कि बेचारा मोटापे से जूझ रहा है, पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बंदे के मसल्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है। ओलिवा के फेस पर आपको लगभग हमेशा स्माइली दिखेगा और ये बहुत अच्छी बात भी है। जब ओलिवा का डेब्यू हुआ था तब उसके मूछे नहीं थे, तब वो एक लाल शर्ट भी पहनता था, पर बाकी सीजन 3 यानी कि सन ऑफ ओगर में ओलिवा ज्यादातर पर्पल शर्ट पहनता था और तब उसके मूछे भी आया था। और जब वो फाइट करता था तब वो अपने पूरे बॉडी को एक्सपोज करके बस एक स्पीडो पहन के लड़ता था। ओलिवा क्यूबा में पैदा हुए थे पर बाद में वो अमेरिका चले गए। ओलिवा यूएस गवर्नमेंट के लिए सोने से कम नहीं थे। यूएस गवर्नमेंट ओलिवा को उन क्रिमिनल्स के साथ डील करने के लिए यूज करते हैं जिनको कि वो खुद संभाल नहीं पाते। ओलिवा एरिजोना प्रिजन में एक राजा की तरह रहता है और गवर्नमेंट भी उसे हर फैसिलिटी देते हैं क्योंकि उस प्रिजन में बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहते हैं और ओलिवा अकेला ही है जो कि उन्हें संभाल सकता है। ये तो अभी भी अननोन है कि उसने ऐसा भी क्या क्राइम किया है कि वो प्रिजन में रहता है। ओलिवा के बाद के सालों में ओलिवा को यूएसए से यूजरो आनमा से लड़ाई करने के लिए भेजा गया। तब यूजरो अपने प्राइम में भी नहीं थे, वो यंग थे। ओलिवा ने ड्रग्स कार्टेल मर्सिनरीज के एक ग्रुप को खत्म किया और बाद में उसने कार्टेल के लीडर को भी मार डाला। ओलिवा यूजरो पर हमला करते हैं पर यूजरो ने उस हमले को डॉज कर लिया था क्योंकि यूजरो ओलिवा को मारना नहीं चाहते थे। वो बाद में ओलिवा को मार के इसका मजा उठाना चाहते थे। बाद में ओलिवा ने खुद को यूजरो से इंट्रोड्यूस करवाया एंड यूजरो जानते थे कि ओलिवा कौन थे, इसीलिए ओलिवा को हॉनर फील हुआ। पर यूजरो लड़ना नहीं चाहते थे तो ओलिवा ने समझाया कि वो यहाँ इतनी दूर बस यूजरो से मिलने आए हैं। पर सडनली यूजरो ने ओलिवा पर एक किक मारा जिससे ओलिवा थोड़े दूर हो गए और यूजरो वहां से चले गए। और ओलिवा ने कहा था कि यूजरो आगे जाकर और भी स्ट्रांग बनेगा। ओलिवा एरिजोना प्रिजन में जो चाहे वो कर सकता है और उसे हर चीज का छूट है। महंगा खाना, महंगा वाइन, सब कुछ उसे मिलता है। गवर्नमेंट भी ये जानते थे कि ओलिवा को खाना खिलाना ज्यादा सस्ता है, इससे वो एरिजोना प्रिजन में रहेगा और उन क्रिमिनल्स के साथ डील करेगा जिनको की आर्मी या फिर गवर्नमेंट संभाल नहीं पाते। बिस्किट ओलिवा भी यूजरो हानमा जैसे ही है। ओलिवा का मार्शल आर्ट्स का नॉलेज और उसके कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स उसको जीनियस बनाता है। ज्यादातर गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि ओलिवा के साथ मिलकर काम करना ज्यादा ईजी है हानमा यूजरो के साथ काम करने से। ओलिवा उनकी रेस्पेक्ट करता है जो कि उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और ओलिवा उन मार्शल आर्टिस्ट की भी रेस्पेक्ट करता है जो कि ओलिवा से भी ऊपर है। आइए अब थोड़ा एनिमे से निकल कर रियल लाइफ में जाते हैं। बाकी एनिमे अपना पूरा ट्राई करता है जिससे वो स्टोरी को ग्राउंडेड रखे। वो ज्यादा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नहीं दिखाते पर फिर भी बहुत बार सुपर नेचुरल चीजें दिखी जाता है। पर फिर भी बाकी के फाइट्स ज्यादा रियल लाइफ जैसे ही होते हैं। ज्यादातर बाकी कैरेक्टर्स का इंस्पिरेशन रियल लाइफ से लिया गया है, जैसे कि मोहम्मद अलाई। ध्यान से सुनना, अलाई नॉट अली। इसको तो आपने गेस कर ही लिया होगा, ये बेस्ड है रियल लाइफ बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली के ऊपर। बाकी एनिमे के मोहम्मद अलाई वैसे फाइट करते हैं जैसे मोहम्मद अली अपने प्राइम में किया करते थे। सो इससे हमें पता चलता है कि बाकी एनिमे के बहुत सारे कैरेक्टर्स रियल लाइफ बेस्ड है और यही केस बिस्किट ओलिवा के साथ भी है। सो बिस्किट ओलिवा बेस्ड है रियल लाइफ के बॉडी बिल्डिंग लेजेंड सर्गियो ओलिवा पे। सर्गियो ओलिवा को एक समय पर आर्नोल्ड से भी ग्रेटेस्ट माना जाता था। सर्गियो ओलिवा क्यूबा में पैदा हुए थे और उन्होंने यूएस जाके बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम कमाया और वो पहले ऐसे बॉडी बिल्डर है जिन्होंने 3 times स्ट्रेट मिस्टर ओलंपिया जीता। सर्गियो ने एक बार आर्नोल्ड को भी डिफीट किया था। और बिस्किट ओलिवा और सर्गियो ओलिवा बहुत सिमिलर है। सर्गियो अपने प्राइम में बहुत ही ज्यादा मस्कुलर थे, तब कहा जाता था कि सर्गियो ही ऐसे बॉडी बिल्डर है जो कि आर्नोल्ड को टक्कर दे सकते हैं। और वैसे ही बाकी यूनिवर्स में भी बिस्किट ओलिवा को सबसे मस्कुलर माना जाता है। ओलिवा ने ये भी कहा था कि उसके मसल्स बहुत ज्यादा है जिसको कि वो रोक के रखता है। बहुत लोग मानते हैं कि ओलिवा के पास भी डीमन बैग है। अब डीमन बैग क्या है मैंने इस वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब बाकी और ओलिवा का फाइट हो रहा था तब इजीली ये नोटिस किया जा सकता है कि ओलिवा का बैग भी डीमन के फेस की तरह था। पर मेरी माना तो यूजरो के जैसा कोई भी डीमन बैग बना सकता है बाकी यूनिवर्स में, क्योंकि अगर आपका बैग ओवरग्रो हो जाता है तो वो अपने आप डीमन फेस की तरह लगता है। और ओलिवा ने अपने बैग को कुछ ज्यादा ही ग्रो कर लिया है। भले ही वो डीमन बैग की तरह लगे पर उसको डीमन बैग का एबिलिटी नहीं मिलेगा क्योंकि डीमन बैग को सिर्फ हानमा ब्लड लाइन ही एक्टिवेट कर सकते हैं। ओलिवा के बहुत सारे फीट्स है, जैसे कि उसको शॉटगन की गोली से भी कुछ नहीं होता। इवन उसके अंदर कटाना घुसा दो तो भी उसे कुछ नहीं होगा। इवन सिकोर्सी के शार्प नकल्स भी उसका कुछ उखाड़ नहीं पाया था। ओलिवा अपने बॉडी को एक्टिव एंड स्ट्रांग रखने के लिए बस एक ही ट्रेनिंग करता है जो कि है हेलीकॉप्टर को खींचना, वो भी बेयर हैंडेड। ओलिवा उन अटैक्स को भी इजीली झेल सकता है जो कि किसी दूसरे इंसान को इजीली खत्म कर देता है। ओलिवा अपने मसल्स के ऊपर और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर रहता है, जो कि हमें दिखा भी है जब उसने एक जूडो ग्रुप को बस थोड़े से एफर्ट के साथ ही हरा दिया था। और ओलिवा ने तो कायो यो का स्पाइन भी तोड़ दिया था जिसकी बॉडी को डायमंड जैसा हार्ड माना जाता था। ओलिवा के पंचेस भी बहुत स्ट्रांग है। एक बार तो ओलिवा ने जिन गुएवारा को इतने जोर से पंच मारा था कि पूरे वर्ल्ड का जीपीएस चेक करने लगा। बाकी के साथ लड़ाई में ओलिवा 4 रूम से गुजरते हुए बाकी को फ्लोर में फेंका था। अगर पिकल के साथ ओलिवा का कंपेरिजन
कंपैरिजन किया जाए तो ओलिवा का साइज एंड उसके मसल्स की वजह से वो पिकल को अच्छा टक्कर दे सकता है। और ओलिवा के पास एक बहुत अच्छा हीलिंग स्पीड भी है। उसने अपने बॉडी के उन स्कार्स जो कि उसे शॉटगन से मिला था उसको बस उसने स्टिक खा के गायब कर लिया था। ओलिवा बाकी से हार गए थे और नोमिनो सुकुने सिगन ने ओलिवा का स्पाइन भी तोड़ दिया था पर ओलिवा सर्वाइव कर गए थे। पर बाद में ओलिवा ने और ट्रेनिंग किया जिससे वो और स्ट्रांग हुए और राउंड टू में ओलिवा ने सुकुने का सामना एक बार फिर से किया। पहले वाले लड़ाई में सुकुने जीता था क्योंकि वो एक सुमो फाइट था और सुमो सुकुने की स्पेशलिटी है। पर नेक्स्ट फाइट में ओलिवा ने ये साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं और उसने सुकुने को बहुत धोया। अब आइए कुछ क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। क्या ओलिवा फिजिकली स्ट्रांग है यूजर से? सो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं और ये हमें दिखा भी है। आखिर बिस्किट ओलिवा इतना स्ट्रांग कैसे है? सो इसका आंसर भी आपको मिल ही गया होगा, उसके मसल स्टील जैसे है। क्या बाकी ने सच में ओलिवा को हराया था? यस, बाकी ने ओलिवा को डिफीट किया था। इस पर विवाद बहुत है, आप अपनी राय कमेंट में बताना। क्या ओलिवा पिकल को हरा सकता है? हाँ, वो टक्कर दे सकता है पर हरा नहीं सकता, पिकल ओलिवा को कच्चा चबा जाएगा। आखिर यूजर ओलिवा की रेस्पेक्ट क्यों करते हैं? यूजर उन लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं जिनका पर्सनैलिटी अच्छा होता है और जो कि पावरफुल होते हैं। आखिर बिस्कुट ओलिवा कितने स्मार्ट है? ओलिवा को मार्शल आर्ट्स का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, इसीलिए कह सकते हैं कि वो अबव एवरेज है। सो इतने सब के बाद हम कह सकते हैं कि बिस्कुट ओलिवा वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है बाकी एनिमे में। अगर वो फाइटिंग स्टाइल सीखेंगे तो मैं श्योर हूं ओलिवा यूजरों के करीब तो आ ही जाएंगे। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं अपने मांगा चैनल में बर्सर्क और बाकी लोगों का मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चेकआउट नहीं किया तो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।